आज चलिए हम आपको बताते हैं कॉमन हेल्थ इश्यूज इन लेबराडोर। लेबराडोर बहुत ही फेमस ब्रीड है वर्ल्ड वाइड, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके जो भी बीमारी होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, जो कॉमनली देखे आते हैं, उसके बारे में बताया जाना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहली प्रॉब्लम है हिप डिस्प्लेसिया की। हिप डिस्प्लेसिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, और इस कारण से जो हिप बोन होती है वो इनकोऑर्डिनेशन उसमें होता है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होता है, डॉग चल नहीं पाएगा, वॉबलिंग गेट रहेगा, स्टेयर पर नहीं चढ़ पाएगा आपका जो है, और इस कारण से क्या होता है, डे बाई डे उसकी बॉडी कंडीशन डिटेरियर हो रही होती है। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही क्रिटिकल है ऐसे ब्रीड्स के लिए, क्योंकि इतने ग्रेसफुल लगते हैं, और अगर उनका गेट ख़राब हो जाए तो देखिए, इमेजिन कीजिए कि वो कोई लाइक नहीं करेगा उनको। और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जो प्रॉब्लम होती है वो एक दिन में नहीं, धीमे धीमे डेवलप करती है, और इसका जो है मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये कंडीशन ठीक नहीं होगी। इस कंडीशन को अगर हम बेहतर तरीके से समझें तो इसके लिए रेडियोग्राफिक टेक्निक्स ज़रूरी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। रेडियोलॉजी के थ्रू जो पता चलता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है हिप बोन में, जॉइंट में, और उसके थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं, और तब हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कुछ मेडिसिन जैसे कि ड्यू एक्टिव पेस्ट है, इसके अलावा ग्लाइकोफ्लेक्स है जिसमें कॉन्ड्राइटिन ग्लूकोसामिन होता है जॉइंट सपोर्ट के लिए, हिप एंड जॉइंट सप्लीमेंट्स आते हैं, और इसके अलावा कुछ SD टैबलेट्स भी आते हैं लेफर कंपनी के द्वारा, जिसको हम देंगे तो पेन एलिवेशन हो सकता है और हम न्यूट्रिशन मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पटेला लक्सेशन। पटेला एक नी बोन है जिस जो बहुत ही फ्लेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, नी जॉइंट के लिए, और इसमें क्या होता है, इसका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, इस कारण से प्रॉपर डॉग चल नहीं पाता है, बो टाइप का गेट हो जाता है, और बहुत ही ख़राब लगता है। इसको पेन भी बहुत होता है, डॉग को पेन हो भी नहीं सकता है, दोनों कंडीशन साथ में हो सकती हैं। अगर इनिशियली स्टेज में अगर डायग्नोस कर लेंगे तो फिर नी ब्रेसेस हम लगा सकते हैं डॉग को, जिससे उसका गेट जो है वो नॉर्मल रहेगा और पटेला मूवमेंट शुरू हो जाएगा धीमे धीमे। बट अगर क्रिटिकल स्टेज है, गेट 4 है, तब उसका कोई ऑप्शन नहीं है, नी ब्रेसेस काम नहीं आएंगे, और उसका एक ही सलूशन है, सर्जिकल इंटरवेंशन। तो सर्जरी अल्टीमेटली परफॉर्म की जाती है पटेला लक्सेशन में ग्रेड 4, मतलब कि सबसे सीरियस इश्यूज में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन भी लेबराडोर में काफ़ी कॉमन है, और इसमें जो मैं डिजीज़ बताऊंगा वो बेसिकली जेनेटिकली एसोसिएटेड है, जिसे कहते हैं हम प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी एंड रेटिनल डिस्प्लेसिया। ये प्रॉब्लम जो है इसमें क्या होता है कि जो रेटिनल सेल्स होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने से क्या होता है, रेटिनल सेल्स का डीजनरेशन हो जाता है, जो कि ब्लैक एंड वाइट इमेजेस एंड कलरफुल इमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डॉग्स में ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ज़्यादा होती हैं, मतलब रॉड सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसी रॉड सेल्स का डीजनरेशन होने लगता है, और डे बाई डे जो है प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस होने लगती है डॉग को। सिमिलर सिचुएशन रेटिनल डिस्प्लेसिया में भी है, जिसमें रेटिनल सेल्स जो होते हैं, जो रॉड्स होते हैं, रॉड के सेल्स होते हैं, वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, और इस कारण से वो जो ब्लड सप्लाई है वो भी कम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और उस कारण से रेटिनल सेल का डिजनरेशन होने लगता है। दोनों ही कंडीशन में प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस होती है और डॉग धीमे धीमे देखना बंद कर देता है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक जेनेटिक लिंक है, जेनेटिक डिजीज है, और इस कारण से इसको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो फ्यूचर प्रोजेनी में ही प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो भी इसका जो एक सोल्यूशन है वो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग ही करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इशूज़ है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ ह्यूमन में बहुत पाया जाता है और इस डॉग में भी बहुत पाया जाता है, बिकॉज काफ़ी ओबेसिटी की ज़्यादा चांसेस इसमें रहते हैं। इसमें आप जानते हैं कि इसमें इंसुलिन थेरेपी की जा सकती है, और जैसे कि ह्यूमन की तरह ही डॉग्स में भी हम जो है देख सकते हैं ब्लड शुगर लेवल। कॉमन साइंस हम देखें तो वेट लॉस होगा, वोमिशन होगी, आपके जो है धीमे धीमे बॉडी जो है वो इमेसिटेड कंडीशन में होती चली जाती है। शुरू में ओबेसिटी हो सकती है, बट हमें अवॉइड करना है फूड जिसमें ज़्यादा शुगर हो। डायबिटिक फूड जो होंगे वो हाई प्रोटीन कंटेंट में होंगे, इनसॉल्युबल फाइबर्स नहीं होने चाहिए ज़्यादा। कुछ अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ फूड्स हैं जैसे कि WD है, वो अवेलेबल है मार्केट में, हम ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओबेसिटी की। ओबेसिटी भी इस डॉग में काफ़ी कॉमन है, और उसका मेन रीज़न ये है कि
ये कोई भी फूड खा सकता है, ये फजी ईटर नहीं होता है। और मोस्टली क्या होता है कि बिकॉज ये फूड ज़्यादा खाता है तो ओनर्स बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि मेरा डॉगी बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो इसको बहुत खिलाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं रहता। इस कारण से इनकी ओबेसिटी बढ़ने लगती है। ओबेसिटी बढ़ने से आप जानते हैं कि ओबेसिटी के कारण जो है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम्स, लीवर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, आई डिजीज भी हो जाती है। तो इस कारण से अल्टीमेटली हम जान सकते हैं कि जो ये ओबेसिटी है लैब्राडोर में, ये अच्छी नहीं है, और इससे जो है डॉग की हेल्थ, उसकी एज भी कम्प्रोमाइज हो जाती है। बेस्ट सोल्यूशन है इसकी एक्सरसाइज, 60 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है डॉग्स की। अगर हम इसको रेगुलर एक्सरसाइज कराते हैं तो डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। ओबेसिटी से हम जानते हैं कि मेन कारण है, इससे जो रिजल्ट आएगा आपका बहुत ही नुकसानदायक होता है डॉग्स की लाइफ के लिए। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या है कि कुछ मेटाबॉलिक फूड्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन डाइट्स हैं हिल्स के द्वारा, रॉयल कैनिन के द्वारा, और पुरीना पेट फूड के द्वारा भी अवेलेबल है मार्केट में, इसको लेके हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये रही कुछ इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग लैब्राडोर। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह की वीडियोस को फ्यूचर में भी पसंद करते रहेंगे और हमारे चैनल में इसको सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।